next. What is the purpose? Why Shah Jahan built Taj Mahal? What he should do first? तो शाहजहां ने ताजमहल बांधा होगा तो उसने क्या, जैसा मैंने कल बताया कि अक्षरधाम का, उसने क्या किया होगा, पहले सीईओ ढूंढ लिया। जैसा शाहजहां ने पहले देखा कि ये बांध कौन सकता है ताजमहल, कौन आदमी सब देख सकता है। शाहजहां थोड़ी उठा कि चोटा की बीट लाना गया, ईट कहाँ अच्छी मिलती, लकड़ी माहौर में मिलती कि पुसद में मिलती अच्छी, सागवान कहाँ अच्छा मिलता, सीमेंट कौन सा लेना, LNT का लेना कि ACC लेना कि गुजरात अंबुजा, नहीं क्या वो काम सब सीईओ का है, वो सीईओ देखेगा क्या करना है, तो भी बड़ा काम हो सकेगा। या फिर आपको जैसा मतलब पार्टनर ढूंढो, पार्टनरशिप दे दो, बांटना पड़ेगा, सब अपने हाथ में रखेंगे पकड़ के तो छोटा काम होता क्या मालूम है क्या, लोग बोलते मैं मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल रखूंगा, और समझो पूरा कंट्रोल रख के आप 50 रुपये कमा रहे, आपने जब पार्टनर लिए ना तो अपने को हर जगह से 10-10 रुपये आएंगे, और ऐसे 10 जगह आप है तो 100 रुपये आएंगे, बोले 10 जगह 1 रुपये, एक जगह से 10 ही आ रहे, पर आप 10 जगह तो 100 रुपये आ रहे, आप एक जगह अपना फुल टाइम करो आपको 50 ही मिल रहे, आपको समझ में आ रहा है, एक जगह फुल कंट्रोल लेने के बजाय 10 जगह हाफ कंट्रोल ले लो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। और उसमें होता क्या है कि 10 में से 10 जगह यदि आप है अलग अलग धंधे में, तो कभी मार्केट टाइट है, कभी धंधा चलता नहीं, कभी नोटबंदी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो कभी 2 धंधे उसमें के नहीं भी चले, कभी बाकी 8 में से पैसा आ रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट बिग पर्पस है ना, बिल्कुल इतना बिग मतलब पर्पस मत भी बिग, इसमें कोई कारण नहीं, और वो बिगर देन योरसेल्फ, बिगर देन योरसेल्फ पर्पस मतलब क्या, पर्पस शुड बी बिगर देन यूर सेल्फ, इसका मतलब क्या, लाइफ म्हणजे काय, म्हणजे नाही म्हणजे काय, म्हणजे हा असा अर्थ आहे बिगर देन युअर सेल्फ म्हणजे त्या पर्पज मध्ये तुमचा फोकस, आपका फोकस खुद पे रहने का नहीं, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे, आप बिगर देन युअर सेल्फ पब्लिक के लिए काम कर रहे, और आप जितना ज्यादा पब्लिक के लिए काम कर रहे उतना ज्यादा पैसा है। अब वो अभी सिंगर कौन आया था अमेरिका का, अभी मुंबई में जस्टिन कंसर्ट झाला होता, तो वो अमेरिका का है, और कितने लोगों के लिए काम कर रहा है, दुनिया भर के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए काम कर रहा है, उसका कस्टमर बेस कितना है, दुनिया कस्टमर बेस, एक ही दिन आया था 1.5-2 घंटे का शो दिया होगा, हाँ बॉम्बे में शो दिया ना अभी, कितने लोग कितने रुपए कमाए, क्या आंकड़े है, सब खर्चे पे जाके, मैंने एक जगह सुना कि 4 करोड़ रुपए मिले उसको, 2-3 सब खर्चे जाके सब पूरा, और बाकी उसके साथ में एसोसिएटेड जो बिजनेसेस थे उन्होंने जो कमाया वो कमाया, मतलब खाने पीने वाले जो उन्होंने कमाया होगा, हेलीकॉप्टर से लोगों को वहां उतारा उन्होंने, है ना, एक जगह बनाई थी कि वहां हेलीकॉप्टर से लोग लाए थे, हेलीकॉप्टर वाले ने कमाया होगा, वो बात अलग, 70,000-75,000 हाँ तेने घेतले उसने लिया, और कंसर्ट के, और अच्छा, और जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया उसने 4 करोड़ कमाया, ऐसा मैंने ऐसा होगा फिर, वो जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया चैरिटी को दिया, और ऑर्गेनाइज किसने किया था वो प्रोग्राम, हाँ उन्होंने किया था, उनको 4 करोड़ मिल गया ऐसा मैं सुना, कि मतलब सब खर्चे जाके उनको 4 करोड़ मिले, और उसका कस्टमर बेस कौन है, पूरी दुनिया, हाँ रिच और कम्युनिस्ट, उसके ऊपर कमाए, हाँ राइट। नेक्स्ट तो कॉन्टेक्स्ट के लिए समझाने के लिए और एक बताता हूँ कि एक मंदिर का बांधकाम चालू था, है ना, मई महीना का, मई महीना है, बहुत धूप है, वहाँ काफी मजदूर काम कर रहे हैं, तो एक को पूछा कि भाई तू सिर के ऊपर ईंटे लेके जा रहा है, तो क्यों लेके जा रहा भाई ईंटे, तो क्या करूँ पापी पेट का सवाल है, मजदूरी मिलती है इसलिए लेके जा रहा हूँ,
दूसरे को पूछा तुम क्यों लेके जा रहा है ईटा, बोले क्या मजदूरी मिलती है 300 रुपये इसलिए लेके जा रहा हूँ। तीसरे को पूछा कि तू ईटे क्यों लेके जा रहा है, बोले भगवान कृष्ण का मंदिर बांधने का काम करना है और इसके लिए मैं सिर के ऊपर ईट लेके जा रहा हूँ। तीनों को 300 रुपये मिल रहे हैं, पहला पापी पेट के लिए जा रहा, दूसरा दीवार बांधना है, ठेकेदार पीछे है कि आज का इतना उजड़ा काम उगता काम करने का है इसलिए कर रहा है, और तीसरा बोल रहा है कि भगवान कृष्ण का मंदिर बांधने का काम करना है इसलिए कर रहा हूँ, किसका काम अच्छा होगा? तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हम काय के लिए काम करते, देखो आप मंदिर बांधने के लिए काम करते हो कि पापी पेट के लिए करते हो? तो भी काम ही अच्छा होता, फिर शाम को थक जाते, बोर हो जाता है। ना नेक्स्ट ये कदम ने देखा है फिर, है ना? तो यहां तक आ गए, तो ये बताया पर्पस के बारे में, तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम कर रहे हैं चर्चा।